हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ड्रैगन ने अपनी काफी एनर्जी को कंज्यूम किया है उस विंड बैरियर को अब तक मेंटेन करने में, जिसके कारण इसके जो सोल बॉम्ब है उनकी स्ट्रेंथ काफी वीक हो चुकी है। आगे जिन्यून उससे कहता है कि हमें इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है, जिससे ड्रैगन मॉन्स्टर को इतना ज्यादा थका देना है कि इसकी सारी की सारी पावर्स एग्जॉक्ट हो जाए। जिसमें यहाँ येलो उसे कहती है, लेकिन ये ड्रैगन के जो मुंह की बदबू है वो काफी स्टिंकिंग है, फिर भी मैं आज इस बदबूदार मॉन्स्टर को हरा के ही रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि वे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही करते हैं। जिन्यून लगातार अपने वाटर बॉम्ब से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और फिर उसे अपने ड्रैगन से जकड़ लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ एक सेकंड के अंदर ही वो उसकी इस जकड़न से अपने आप को आसानी से छुड़ा लेता है। अब यहाँ बारी आती है यूलो की, जो अपने सोल चेन से उस पे अटैक करती है। इसी तरह से अटैक करते हुए उन्हें इस डेथ रेगिस्तान में पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ जिन्यून को ये समझ भी नहीं आ रहा होता है कि इस मॉन्स्टर में कितनी ज्यादा और पावर बची है, क्योंकि अब इन दोनों के ड्रैगन्स के पास जो पावर होती है वो खत्म होने को आई थी। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ड्रैगन ऐसा यूलो पे अटैक करता है कि वो नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ जिन्यून का ड्रैगन उसे कैचअप कर लेता है। अब इस बात से यहाँ क्रोधित होते हुए जिन्यून उस ड्रैगन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूलो को हर्ट करने की। वो अपने ड्रैगन स्किल को एक्टिवेट करता है और इस स्किल के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा पंजा आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को ऐसा धर दबोचता है कि उस पंजे से इसका छूटना मुश्किल था। आगे वो यूलो से कहता है कि अब यही सही मौका है कि उसे अपने चेन सोल का यूज करना चाहिए। अब यहाँ यूलो अपनी ड्रैगन स्किल का यूज करते हुए एक के बाद एक चेन से उस पर अटैक कर रही होती है, जिससे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके मरते ही वहाँ उसके बॉडी का इनर कोर अफेयर होता है। अब आगे यूलो उस ड्रैगन कोर को स्वॉलो कर लेती है, क्योंकि यूलो ने ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए अब उसके पास एक न्यू ड्रैगन पैटर्न है। अगर यूलो यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसने पहली बार एक ड्रैगन पैटर्न को सक्सीड किया था, लेकिन यहाँ वो काफी ज्यादा चिंतित होती है ये सोचते हुए कि अगर ये जो मॉन्स्टर है उसके लिए एक ड्रैगन पैटर्न बन गया है तो कहीं वो उसके ड्रैगन बटरफ्लाई को तो नहीं खा जाएगा। जिसमें जिन्यून उसे कहता है कि अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो ड्रैगन बटरफ्लाई है वो तुम्हारा अपना सोल स्लेव है, जिसे तुम जब चाहो जरूरत के समय समन कर सकती हो, जो कि तुम्हारे उसी ड्रैगन पैटर्न में हिडन होगा। आगे फ्यूचर में तुम जितने सारे मॉन्स्टर ड्रैगन का शिकार करोगी और उनके ड्रैगन कोर को एब्जॉर्ब करोगी, तुम्हें उतने ज्यादा ड्रैगन पैटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे ही बटरफ्लाई ड्रैगन को और भी ज्यादा पावरफुल करेगा। ये वो से कहता है कि तुम अगर अपने स्किल्स को इसी तरह से प्रैक्टिस करती रही तो तुम गोल्ड लेवल तक पहुंच सकती हो। उनकी इसी बातचीत के बीच हम यूलो के ड्रैगन पैटर्न से उसके बटरफ्लाई ड्रैगन को निकलता देखते हैं, जिसमें काफी चेंजेस आ चुके होते हैं, और ये देख के यूलो यहाँ रोने लगती है कि कहीं ये मेरा ड्रैगन बटरफ्लाई बीमार तो नहीं हो गया। इसमें जिन्यून उसे कहता है कि ये बीमार नहीं हुआ है, बल्कि ये अपग्रेड हो चुका है और तुम यहाँ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी हो, क्योंकि तुम अपने आप ब्रॉन्ज लेवल पे पहुँच चुकी हो। जिसमें यहाँ यूलो के हम चुलबुला सा नेचर देखते हैं, जो कि पल में रोती है और पल में एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ वो आगे जिन्यून से कहती है कि वो आगे अब और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी अपने लेवल को अप करने के लिए। जिसमें जिन्यून उसे कहता है कि अब तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगी, क्योंकि तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी हो। हम देखते हैं यूलो को शर्माते हुए वो जिन्यून को थैंक्स कह रही होती है, क्योंकि उसी के वजह से आज ये वहाँ पे लेवल अप कर पाई है। अब यहाँ ये सुन के जिन्यून काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कि तभी हम यहाँ बहुत ही विचित्र सा सीन देखते हैं। जिन्यून कोशिश कर रहा होता है यहाँ यूलो को किस करने के लिए, अरे भाई वो माइनर है। अब यहाँ यूलो के दिल में भी जिन्यून के लिए सेम फीलिंग होती है, ये जान के जिन्यून काफी खुश हो रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सेम काइंड ऑफ फीलिंग शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कि इन दोनों माइनर्स के बीच ऐसा कुछ हो पाता, हम वहाँ पे एक बहुत बड़े फ्लाइंग हाथी को देखते हैं, और ये फ्लाइंग हाथी कम पिगी वही होता है जिसने उस विलेज में लगी आग के दौरान इन दोनों को उस गुफा के अंदर से निकाला था, और इसको राइड करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही अडा होता है जो इनका बिजनेस पार्टनर भी था।
यहाँ वो चिल्लाते हुए इन दोनों को हाई करता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड हो जाता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही के आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे इतना ज्यादा खुश कर दिया है और आपके इस तरह से प्यार भरा कंसर्न ने मुझे काफी टच किया है। सो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आगे मैं यही कहूंगी कि आप लोगों के लिए मैं और भी ज्यादा नई सीरीज लाने वाली हूँ आगे फ्यूचर में, तो इसीलिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।